السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نبر قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. हर कौम फर फर उड़ी जा रही है जो चलती थी घुटनों के बल पड़ी जा रही है। ए कौम मुस्लिम तुझे क्या हुआ के सवारी से पैदल चली जा रही है। मुअज्जज सामईन किराम, आज का आपका यह प्रोग्राम बड़े जोर शोर के साथ रवा दवा था। अचानक मुझको जुमले मुअतरिजा के तौर पर दरमियान में हाई कर दिया गया, लेकिन ये सोच कर माइक पर आया हूँ कि आज तो हमारे अकाबिर और बुजुर्गान दीन का साया हमारे ऊपर फिकर है, मगर कल जब ये ना होंगे और उम्मत हम ना अहलों को मुख्तदा बनाएंगी और उम्मत के बागडोर हमारे हाथों में दे दी जाएंगी और हमसे खुद की इस्लाह ना होने के बिना पर सही क़यादत नहीं हो पाएगी तो लोग हमें यूँ ताना देंगे कि थे वे तुम्हारे आबा ही, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर मर्दा हो। मोहम्मद कदम भरने वालों, आज मुसलमान तनज़्ज़ुल की तरफ क्यों जा रहा है जबकि कभी मुसलमान पूरी दुनिया की क़यादत और पासबानी कर रहा था। वो मुसलमान जो कल तक समंदरों और हवाओं को अपने तर देखे हुए था, आज वो ज़लील और ख़ार क्यों हो रहा है। वो मुसलमान जिनकी एक आवाज पर दरिंदों ने चंदनों में जंगल के जंगल खाली कर दिए थे, आज उसका हुक्म मानने के लिए एक चींटी भी क्यों तैयार नहीं। वो मुस्लिम कौम जिनकी सूरतों को देखकर करोड़ों कुफार भी इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, आज उनकी सूरतों को देखकर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है, न जाने क्या क्या कहा जाता है। वो मुसलमान जिनकी शहादतों को आई को सच्चाई और आज कौम को झूठ और नाइंसाफी के साथ साथ गुजर कैसे किया जाता है। आगे मुसलमानों सोचो तो सही, इतना बड़ा इंकलाब कैसे बर्पा हो गया। वो मुस्लिम कौम जिसने कभी शेरों और चीतों से सवारी का काम लिया हो, आज वो कुत्तों और गिद्धों से डरने लगा। जब मेरे जहन के अंदर इन सवाल की गर्दी पैदा की और मैं परेशानी का शिकार हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन मेरे जहन में आयत डाल दी, लकद कानतुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के तुम्हारे लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तो मैंने कहा मुश्किल क्या होगा कि जब तक मुसलमान नबी के तरीके पर था तो कामयाब था, जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत का पाबंद था तो कामयाब था, जब तक मुसलमान करता रहा तो दुनिया उसके फैसले को मानती रही, लेकिन जब मुसलमानों ने नबी के तरीके को छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत को भुला दिया है और सहाबाए किराम की इत्तबा को अनीर समझने लगा है और उलमाए दीन की बेहुर्मती करने लगा है, तो बदलाव ये जिल्लत के गहरे दार में नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा, ये शरीर और खार नहीं होगा तो और कहां जाएगा। लगियो नौजवानों आगे सर सरी के जाने के काबिल और इंसानी आदम में तोड़ने जाने के लायक है ये बात कि आज जितनी बीमारियों ने जन्म ले रखा है, जितनी रस्म बिदात तय बनी है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देने की वजह से हो रहा है, आज जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के नबी की सुन्नत से आराम करने की वजह से हो रहा है। आज मुसलमान परेशान हुआ तो आखिर क्यों हुआ, आखिर क्यों हुआ, आज मुसलमानों पर दूसरे तौर पर मुसलत हुए जो सहाबाए किराम की राह से रुकावट निकलने की वजह से हुई, आज मुसलमानों पर दूसरे और गोलियों का निशाना बनाती है। आज क्यों याद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुन्नत जिहाद को छोड़ देने की वजह से बनाया गया। मुसलमान वो नहीं जो जिसको हालात बदल दे, बल्कि मुसलमान वो है खुद हालात को बदल दे। मुसलमानों अगर आज भी चढ़ते चाहते हो और अगर आज भी बुलंदी चाहते हो, अगर आज भी कामयाबी चाहते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में आ जाओ, अपने आप को सुन्नत का पाबंद बना लो। अल्लाह तआला का वताला
فرمائے واہ 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 واہ